Good morning, everybody. Today I'm going to teach you about the one special structure that is the need to. Kya? Need to. Structures number need to. A third say need to. Ink badhiya hai? Ji. So I would also say to you that say need to means avashyakta hai ya jarurat hai. Need to means avashyakta hai ya jarurat hai. Kaisi avashyakta, kaisi jarurat. Main aapko bata dena chahta hu main. Sabutaj hai. आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए. क्या जाते हैं? एक कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो ये आपको टेंपरेरी एक फॉर्म मिलता है. या आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, गवर्नमेंट कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, अब तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा होता है. वैसे भी फॉर्म आता था तो आप अपना नाम है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तमाम दुनिया चीज को आप डालते हैं. उसमें एक ऑप्शन लिखा रहता है कि यह जॉब आप क्यों करना चाहते हैं. यह जॉब आप क्यों करना चाहते हैं जी. जितने भी चीजें हैं आइडियोलॉजी से है, सब कुछ आइडियोलॉजी पर डिपेंड है. आइडिया के ही माध्यम से मैं आपके दिमाग में पूरी की पूरी तरह से मैं ट्रांसफर कर दूंगा. मैं जितने एक्सपीरियंस है सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूंगा. मैं आप इंजॉय करें आइडियोलॉजी से. समझ में आ जाएगा. जब आपको समझ में आ जाएगा तो आसान है. यह जॉब आप क्यों करना चाहते हैं. ऑप्शंस है कि पहला ऑप्शंस हॉबी के लिए. हॉबी मींस शौक के लिए. दूसरा रिक्वायर मींस आवश्यकता या जरूरत. तीसरा नेसेसरी के लिए. नेसेसरी मींस आवश्यकता या जरूरत के लिए. चौथा नीड. नीड मींस आवश्यकता या जरूरत के लिए. पांचवा जी, मैं पांच ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको. पांचवा कंपल्सरी मींस मजबूरी या अनिवार्य. तो सपोज दैट मैंने आपको यह ऑप्शन दे दिया तो आप टिक किस पे लगाएंगे बताइए. आप किस पे आप सही टिक लगाएंगे कि आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं. किस पे टिक आप लगाएंगे. सब तो आवश्यकता या जरूरत ही है. ऐसे ही टिक लगा देंगे या उसको जानकर भी टिक लगाएंगे आप जी. कैलकुलेट करेंगे. आइए देखते हैं. पहली बात कि आप हॉबी पर अगर टिक लगाएंगे, इस पे टिक लगाएंगे तो कंपनी वाला आपको लेगा नहीं. पूछे क्यों. इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपके बाइक पर चढ़ने का शौक है, बाइक चलाने का शौक है. आपके पास बाइक नहीं है, किसी तरीके से आप बाइक कर्ज में इधर उधर से लेकर आप बाइक खरीद लेते हैं और बाइक को महीना दो महीना अगर आप चलाते हैं तो उब जाते हैं और बाइक में इंटरेस्ट कम हो जाता है, छोड़ भी देते हैं. तो कंपनी का कैंडिडेट किसी भी एम्प्लॉय को रखता है तो परमानेंट रखना चाहता है, टेम्पररी नहीं रखना चाहता है. इसलिए शौक के उद्देश्य से अगर आप जाते हैं तो आपको नहीं लगेगा. तो इसकी बात ही समाप्त कर दीजिए एकदम से. अब रही बात कि आवश्यकता या जरूरत से थ्री ऑप्शंस है.
तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे आप टिक लगाएंगे, अंदाजे तो टिक नहीं लगाएंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये जो रिक्वायरमेंट होता है ये किसी भी चीज को 25% आवश्यकता या जरूरत को व्यक्त करता है। कितने परसेंट? 25%। नेसेसरी ये 50%। नीड कितना परसेंट? नीड कितना परसेंट आपके दिमाग में आ गया समझे? नहीं, 100%। कंपल्सरी ये 150%। होता तो है 100% ही, होता तो है 100%, लेकिन मजबूरी, जब जरूरत से भी ज्यादा जरूरत हो, जरूरत से भी ज्यादा जरूरत हो तो हमारी जरूरत नहीं बन जाती, हमारी मजबूरी बन जाती है। इसलिए ये 100% से बढ़कर 150% हो गया, 2% भी हो सकता है, 300% भी हो सकता है, 400% भी हो सकता है, कभी कभी तो इससे ऊपर गया तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। परसेंटेज अगर मजबूरी अगर जाते चल गई तो क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, बर्दाश्त नहीं होती भाई। जब बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी देखते नहीं है, आप 3 डेज मूवी देखिए, मजबूरी थी उसके और सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, क्या करेंगे, ऐसी ही चीज होती है। तो मजबूरी जो है जरूरत से भी ज्यादा जरूरत होती है। अब जैसे ये चीजें, एक एग्जांपल है, एग्जांपल तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, चाहे आवश्यकता से लिखिए या जरूरत से लिखिए। देखिए जरूरत आवश्यकता, जरूरत किसी चीज की जो जरूरत होती है ज्यादा भी होती है कम होती है, आवश्यकता जो नहीं होती है वो किसी चीज की ज्यादा भी होती है किसी चीज की कम भी होती है जरूरत। तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए इट इज require you to go there, it is require you to go there, it is necessary you to go there, it is necessary you to go there, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, it is compulsory, कंपल्सरी मतलब ये नेसेसरी 50% रखता है, वो कंपल्सरी 100% से लेकर एबव रखता है, फिर भी इसको इस कैटेगरी में रखा गया है, इट इज कंपल्सरी यू टू गो देयर, और यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। जैसा हमने आपको कहा किसी भी चीज की कम जरूरत होती है, किसी चीज की ज्यादा जरूरत होती है, किसी चीज की मजबूरी बन जाती है, अपने अपने हिसाब से है। इस सेंटेंस को अगर आप रिक्वायर से बनाते हैं, नेसेसरी से बनाते हैं, या कंपल्सरी से बनाएंगे जो 150 से लेकर एवं रखता है, इससे भी बनाएंगे तो ये इट से स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? इट से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस सेंटेंस को अगर आप नीड से बनाते हैं तो इसके जो सब्जेक्ट हैं इससे स्टार्ट करना पड़ेगा, यू से, इससे यू से, और आपको बेटर पता है कि किसकी परसेंटेज कितनी होती है। जैसे कहीं चौराहा है आपके क्षेत्र में, कहीं चौराहा है, क्रॉसिंग है, चौराहा है, या कोई मार्केट है, क्या है, मार्केट है, तो किसी भी मार्केट में जाने के लिए एक रास्ता नहीं होता है, कई रास्ते हो सकते हैं,
कोई सरल है, कोई कठिन है, कोई उस रास्ते को जाता है, कोई उस चीज को बिलोंग करता है, कोई टेढ़ा है, कोई किसी तरीके से करता है, जाने के लिए एक रास्ता है। तो इस ट्रांसलेशन को करने के लिए कई प्रकार से डिजाइनर से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहना क्या चाहता है, इसको कहना चाहता है और कितनी परसेंटेज रखता है, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी चीज को बोलने के लिए कई रास्ते होते हैं, सरल रास्ता सब लोग ढूंढना चाहते हैं जो फायदेमंद हो। जैसे तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, नया करने की जरूरत है। इट इज रिक्वायर यू टू डू समथिंग न्यू, इट इज रिक्वायर यू टू डू समथिंग न्यू, तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत है। इट इज नेसेसरी यू टू डू समथिंग न्यू, इट इज कंपल्सरी यू टू डू समथिंग न्यू, एंड यू नीड टू डू समथिंग न्यू, यू नीड टू डू समथिंग न्यू। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी चीज का एप्लीकेशन किया, तो इट से स्टार्ट कर दिया और जैसे ही नीड से किया मैंने इसके सब्जेक्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो ये डिजाइन अप है, इस डिजाइन से आप लेके चलते हैं तो काफी ज्यादा चीजें आपको व्यक्त करता है। आप बिल्कुल चीजें से कर सकते हैं, तरह तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरेस्टिंग बात ये है, वो इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सा मैं मिटा लूं, हमें भी भाई स्पेस नहीं है। मैंने आपसे पहले कर दिया कि हमें सारे इंफॉर्मेशन लिखने के लिए अब कितना बड़ा मैं बोर्ड रूम है, उसमें हमारे मोबाइल के कैमरे में भी तो आना चाहिए भाई, लेकिन बजट कम है, बड़े कैमरे लूंगा मैं आपके आशीर्वाद और प्यार से। आप जिस दिन आशीर्वाद देते रहेंगे हमारे कैमरे बड़े हो जाएंगे, हमारे हर चीज बड़े हो जाएंगे। प्यार भी देते रहिए, आशीर्वाद भी देते रहिए, दोनों काम करते रहिए। आप हमारी सबसे बड़ी ताकत तो आप ही है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। दोनों काम कर रहा हूं मैं, आपसे बातें कर रहा हूं मैं, क्या करें भाई, ये चीज होना भी तो जरूरी है। तो आप हमारी सबसे बड़ी ताकत है, स्टूडेंट की टीचर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं स्टूडेंट्स। आपके दम पर ही तो मेरा दम है, आपने जिस दिन पैर खींच लिए मेरा दम निकल जाएगा, मैं डेड हो जाऊंगा मैं। कहते हैं तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, आप लिखते हैं यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर। तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, तुम्हें कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, मेरी बात समझ रहे ना। तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत है, तुम्हें मुझसे बातें करने की जरूरत है, अच्छे टीचर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, यह दवा लेने की जरूरत है, तुम्हें यह दवा लेने की जरूरत है, समय समय पर यह दवा लेने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत है, स्ट्रिक्ट हर वक्त की जरूरत है, कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। टू मेक योर करियर ब्राइट, यू नीड टू डू द हार्ड वर्क टू मेक योर करियर ब्राइट, राइट। भैया तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हें इस कपड़े को साफ करने की जरूरत है, राइट, जरूरत है। ये बात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है नीड नॉट टू, इसका मतलब होता है कोई जरूरत नहीं है, क्या है, कोई जरूरत नहीं है, बहाना बनाने की कोई जरूरत है नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, बहाना बनाने की कोई जरूरत है नहीं है, मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, फोन करने की तो कतई जरूरत नहीं है, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है,
बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे मिलने को कोई जरूरत है, मुझे देखने को कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत है नहीं है, ज्यादा बनने की कोई जरूरत है नहीं है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, वर्षा की आवश्यकता है, एक्टिंग में कर रहा हूं मैं, यानी ज्यादा कोई की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की कोई जरूरत है नहीं है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की कोई जरूरत है नहीं है, बहाना बनाने की कोई जरूरत है नहीं है। बताइए आप कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अरे अच्छे अच्छे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, आप बोलते ही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसी चीज है, हम सारे डिजाइन को लिख कर आपको देंगे, डजंट मैटर्स। अभी आप देखिए आपके दिमाग में ये बात चल रहा होता है कि ज्यादा सोचने की कोई जरूरत है नहीं है, मुझे समझाने की कोई जरूरत है नहीं है, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कपल लोग जो नहीं होते हैं, अक्सर आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, वो गुस्सा करते तुम यही धमकी देता, पहला धमकी है फोन करने की कोई जरूरत है नहीं है, मुझसे बात करने की कोई जरूरत, मुझे मिलने की कोई जरूरत है नहीं है, मुझे देखने की कोई जरूरत है नहीं है, चले पर हाँ बहाना बनाने की कोई जरूरत है नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, मुझसे बात करने की, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट टू गो देयर, कोई जरूरत नहीं के लिए केवल नीड नॉट का एप्लीकेट करिएगा, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू स्टडी, यू नीड नॉट टू रीड, बहाना बनाने की कोई जरूरत है नहीं है, यू नीड नॉट टू मेक एक्सक्यूज, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू मेक कॉल टू मी, मुझे फोन करने की कोई जरूरत है, मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी की सारी डिजाइन नीड नॉट से बनाइएगा, राइट, तुम्हें मुझे हिस उसे उस लड़की को उन्हें, दे नीड नॉट टू गो देयर, उन्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, सी नीड नॉट टू गो देयर, उसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट टू गो देयर, उस लड़के को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू गो देयर, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, अच्छे अच्छे चीजें हैं, इसको लेकर आप डिजाइन करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो आज की डिजाइन स्पेशल डिजाइन में आपने नीड नॉट को देखा, नीड नॉट का मतलब आवश्यकता है, जरूरत है, तमाम प्रकार की बातें आपको मैंने बताया कि हाँ रिक्वायर क्या होता है, नेसेसरी क्या होता है, कंपल्सरी क्या होता है, नीड क्या होता है, और उससे ज्यादा डिजाइन ये है, इसमें ज्यादा लिखा नहीं बट है, इसके सारे एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हम आपको बाद में हम वीडियो शूट करके हम आपको दे देंगे, इसको आप इस डिजाइन को लीजिए, डिजाइन लेने के बाद खुद के नॉलेज को आप इंक्रीमेंट करिए। थैंक्स फॉर टू वॉच माय वीडियो, थैंक यू सो मच।